तो अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल आज थिएटर्स पर पूरा किया दो दिन। तो आज दूसरे दिन पर इस फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज से कितनी कलेक्शन की है और अभी तक इस फिल्म का टोटल दो दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी हुई है, उसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता दें, इस फिल्म का टोटल बजट है करीब 115 करोड़ और ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने शानदार कलेक्शन की थी और आज दूसरे दिन पर तो इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की है, क्योंकि आज के दिन पर मॉर्निंग शोज से ही इस फिल्म को शानदार ऑक्युपेंसी मिली थी। फिर नून शोज और इवनिंग शोज में इस फिल्म का बहुत सारे हाउसफुल शोज भी देखने को मिली, जिसके वजह से आज दूसरे दिन पर इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की है। तो अगर इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बात किया जाए तो फिर टोटल धमाल इंडिया से ओपनिंग डे पर 16 करोड़ 50 लाख की कलेक्शन की थी और अभी तक आए हुए रिपोर्ट्स के अनुसार टोटल धमाल आज दूसरे दिन पर करीब 22 करोड़ की कलेक्शन की है। मतलब इंडिया से इस फिल्म का टोटल दो दिनों की नेट कलेक्शन होती है करीब 38 करोड़ 50 लाख, जिसकी ग्रॉस कलेक्शन होती है करीब 48 करोड़ और टोटल धमाल अभी तक इंडिया के बाहर ओवरसीज से दो दिनों में टोटल 17 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की है। तो अब अगर इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज का ग्रॉस कलेक्शन ऐड किया जाए तो फिर इस फिल्म का टोटल दो दिनों की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होती है करीब 65 करोड़। तो दोस्तों, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।